अगर आप एक यूट्यूबर हो और एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहती हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मगर मेरा हिंदी तो इतना अच्छा नहीं है, तो फिर आप ये वीडियो क्यों देखोगी? और मेरा वीडियो में व्यूज़ भी नहीं है, तो आप क्यों देखोगी ये वीडियोस? मगर मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। मेरा यूट्यूब जर्नी शुरू हुआ था 2018 में, और कुछ ही दिन पहले मैंने और एक यूट्यूब चैनल ओपन किया। और मेरा जो न्यू यूट्यूब चैनल है ना, उसमें आप ग्रो देखोगी तो हैरान हो जाओगे। मगर आप लोगों को तो यूट्यूब में बहुत ही बढ़िया बढ़िया यूट्यूबर्स मिल जाएगा जो आपको नॉलेजेबल वीडियो दिखाएगा। हाँ जी, मैं भी ये सब वीडियो देख देख के ही यूट्यूब स्टार्ट किया था। एक सच बात बताऊँ, जितना भी मैं वीडियोस देखा ना, उसमें यूट्यूबर्स ने बहुत बड़ी बड़ी बातें किया, मगर असली सच किसी ने भी नहीं बताया। ये सब आपके साथ भी हो रहा है। आप भी यूट्यूबर्स की वीडियो देख देख के ये कर रही हो, वो कर रही हो, मगर आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, आपका सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, आपका व्यू नहीं बढ़ रहा है। ओके, और यूट्यूब का जो पुराना ट्रिक्स है ना, वो भी काम करना बंद कर दिया, क्योंकि यूट्यूब भी तो अपग्रेड हो गई ना, तो इसीलिए न्यू ट्रिक फॉलो करना पड़ेगा। और इसी बात पे ही मेरा पुराना चैनल बैठ गई और मेरा नया चैनल ग्रो कर रहा है। वैसे तो सभी यूट्यूबर ही अनसक्सेसफुल है। आप मनोज दे की बात कर लो, मनोज दे भी तो एक अनसक्सेसफुल यूट्यूबर ही था, और फिर उन्होंने नया यूट्यूब चैनल खोला था, और अभी उनका ग्रो देखो, इंडिया का बहुत बड़ा एक यूट्यूबर। ओके, और सिर्फ और सिर्फ मनोज दे नहीं, ऑल ग्रो क्रिटिक सभी यूट्यूब चैनल का ही दूसरा यूट्यूब चैनल था। फर्स्ट यूट्यूब चैनल अनसक्सेसफुल, सेकंड यूट्यूब चैनल ग्रो कर लिया। ओके, ग्रो किया तो ऐसा ग्रो किया, अभी तो वो लोग आसमान में उड़ रहा है। और एक अनसक्सेसफुल यूट्यूबर को पता है कि यूट्यूब चैनल ग्रो कैसे किया जाता है। और नया यूट्यूबर लोग शुरुआत में कौन कौन सा गलती करता है, आप गलत काम कर रही हो, इसीलिए यूट्यूब में ग्रो नहीं है। ओके, देखो भाई, आप अगर एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहती हो तो पुराना जमाना को छोड़ो, आप न्यू ट्रिक्स फॉलो करो। ओके, तो आप सुनो ये न्यू ट्रिक। आपके पास एक नया यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूब चैनल नया हो या पुराना हो कोई फर्क नहीं। ओके, आपको सबसे पहले अपना यूट्यूब चैनल में 10 एक्टिव सब्सक्राइबर कलेक्ट करना है। एक्टिव सब्सक्राइबर, आपको पता है ये एक्टिव सब्सक्राइबर होता है क्या? एक्टिव सब्सक्राइबर मतलब जो आपका वीडियो देख के आपका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करता है, और वो दूसरा वीडियो भी देखेगा। मगर भाई लोग, आप तो दूसरों की मोबाइल हाथ में लेके अपना चैनल को सर्च करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर देती हो, ऐसे नहीं चलेगा भाई। और अपना दोस्त और रिलेटिव को अपने व्हाट्सएप या फेसबुक में अपना वीडियो का लिंक भेज देती हो कि ये देख लो, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये भी नहीं चलेगा भाई। और कुछ लोग तो और भी एक्टिव है भाई, सब पर सब करो या सब्सक्राइब खरीद लो या व्हाट्सएप खरीद लो, ऐसे भी नहीं चलेगा। ऐसे करने से भाई आपका सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेगा, मगर आपका वॉच टाइम नहीं बढ़ेगा, आपका व्यूज़ नहीं बढ़ेगा। वो सब्सक्राइबर आपका वीडियो सिर्फ एक बार देखेगा, और आपका 5 या 10 मिनट का वीडियो को वो 1 मिनट या 2 मिनट ही देखेगा। जैसे आपका वीडियो बैठ जाएगा, आपका वीडियो बैठने से आपका व्यूज़ नहीं आएगा, आपका व्यूज़ नहीं आने से आपका सब्सक्राइबर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको नॉलेजेबल वीडियो बनाना है, और वीडियो का क्वालिटी अच्छी रखना है, और वीडियो का वॉइस क्वालिटी और भी अच्छी रखना है। ओके, और वीडियो का साइज रखना है 4 मिनट के नीचे, 1, 2 या 3 मिनट होगा तो भी चलेगा। आपका वीडियो में सब कुछ अच्छा है, फिर भी आपका वीडियोस कोई देखेगा नहीं, आपका सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेगा। ओके, क्योंकि आपका चैनल नया चैनल है, इसीलिए आपको क्या करना है, आपका जो वीडियोस है तो वीडियोस को आपका फेसबुक में शेयर करना है। शेयर कैसे करना है, डायरेक्टली शेयर मत करो। ओके, तो शेयर कैसे करें, तो सुनो भाई, ध्यान से सुनो। आपका जो वीडियो मेन कंटेंट, वो 5 मिनट का हो सकता है, 10 मिनट का हो सकता है, और छोटा और बड़ा भी हो सकता है। आपका चैनल कोई भी कैटेगरी का हो, या आपका वीडियो कोई भी टॉपिक पे हो, आपका जो मेन कंटेंट वो तो आपने यूट्यूब में डाल ही दिया, मगर उसी कंटेंट का, उसी वीडियोस का सबसे अच्छी जो पार्ट, वो 30 सेकंड का हो सकता है, 40 सेकंड का हो सकता है, या मैक्सिमम 1 मिनट का हो सकता है। ये जो आपका वीडियो का मैक्सिमम 1 मिनट का पार्ट, ये आपने फेसबुक की साइज में एडिट कर लो, मतलब 1:1। ओके, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर आप ये साइज दिखाई दे रहा है, ओके, वीडियो का ऊपर और नीचे पूरा खाली, तो नीचे आपका यूट्यूब चैनल का नाम लिखना है, और ऊपर इसी वीडियो के बारे में कोई इम्पोर्टेंट बात लिखना है। ओके, और अपना ऑडियंस के लिए आपको एक मैसेज छोड़ना है। मैसेज क्या है, फुल वीडियोस देखने के लिए आप
YouTube में सर्च करो या YouTube में स्विच करो, ठीक है। इसके बाद इस वीडियो को अपना Facebook अकाउंट में अपलोड कर दो और वीडियो का जो कैप्शन होगा वो कैप्शन में आप जो मेन जो वीडियो है YouTube का उसका लिंक कॉपी करके इधर में पेस्ट कर दो। ओके, ऐसे पोस्ट करने से आपका जो Facebook वो अगर Instagram के साथ लिंक है तो Instagram में भी सेम पोस्ट चला जाएगा। ओके, और लिंक नहीं है तो Instagram में भी सेम पोस्ट कर दो। ऐसे करने से क्या होगा तो ये बात भी ध्यान से सुन लो। ऐसे करने से आपका जो Facebook फ्रेंड आपके पास हो सकता है कि 5000 Facebook फ्रेंड है, आपके पास अगर दो अकाउंट है तो 10000 Facebook फ्रेंड है, तो जिसको भी ये कंटेंट अच्छा लगेगा वो 100% आपका YouTube चैनल में विजिट करेगा और आपका YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देगा। ऐसे करके आप सिर्फ 10, 20 या 50 या 100 सब्सक्राइबर नहीं, ऐसे करके आप 500 या 1000 सब्सक्राइबर गेन कर सकती हो एक ही महीने में। और अब असली सच सुन लो, YouTube का फर्स्ट 10 सब्सक्राइबर गेन करने के लिए आपको 10, 15, 20 या 30 दिन लग जाएगा, वो एक्टिव सब्सक्राइबर होना चाहिए। ओके, ऐसे करने से आपका YouTube चैनल का फर्स्ट 10 सब्सक्राइबर गेन करने में 20 दिन लग जाएगा, सेकंड 10 आने में और भी 15 दिन लग जाएगा, फिर ये जो 20 सब्सक्राइबर हो गए आपका, 20 से 40 होने के लिए 12 दिन लगेगा और 40 से 100 होने में और 15 दिन लगेगा, ठीक है। ऐसे करके आप 30 दिन के अंदर 100 सब्सक्राइबर गेन कर सकती हो। और मेरा बात मानो, 100 सब्सक्राइबर होने के बाद अगर वो एक्टिव सब्सक्राइबर होगा तो एक्टिव सब्सक्राइबर 100 होने के बाद आपका चैनल रॉकेट जैसा दौड़ेगा। मेरा जो सेकंड चैनल है ना वो अभी रॉकेट जैसा ही दौड़ रहा है। क्या आप भी मेरा सेकंड चैनल का ग्रोथ देखना चाहती हो तो ज़रूर कमेंट्स करना। तो यही था मेरा फर्स्ट ट्रिक, आप पहले अपना एक्टिव 100 सब्सक्राइबर गेन करो, उसके बाद मैंने मेरा नया यूट्यूब चैनल में और भी बहुत सारा ट्रिक फॉलो किया जो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप लोगों को भी आप लोगों का यूट्यूब चैनल में ग्रो चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स करना कि आपको क्या जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना फर्स्ट चैलेंज कंप्लीट कर लो। ओके, उसके बाद नया नया ट्रिक आएगा जो आपका चैनल और भी ग्रो करेगा। सबसे पहले अपना गलती को सुधराओ, दूसरों की मोबाइल हाथ में लेके अपना चैनल को सब्सक्राइब मत करो, सब फॉर सब मत करो और सब्सक्राइबर और वॉच टाइम खरीदना बंद करो। ओके, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपना यूट्यूब चैनल पे अपलोड करो और वीडियो का टॉपिक सेम होना चाहिए, ठीक है। और आपका वीडियो का साइज मैक्सिमम 4 मिनट और 4 मिनट का नीचे ही रखना सीखो। ओके, तो गाइस आज का वीडियो में बस इतना ही। आज मैंने आप लोगों को फर्स्ट ट्रिक सिखाया कि आप लोगों ने कैसे 100 सब्सक्राइबर गेन करोगी, वो भी एक्टिव सब्सक्राइबर। ये ट्रिक 100% काम करेगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करना। मेरा हिंदी बहुत ही बुरा है, इसी बात के लिए सॉरी। सो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही था, फिर मिलेंगे आपसे दूसरा इम्पोर्टेंट ट्रिक के साथ। फुल वीडियोस देखने के लिए आपको धन्यवाद और नेक्स्ट ट्रिक देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।